कल ये परसों की बात है, सऊदीया में एक टैक्सी ड्राइवर एक अरबी की वो अरब कराने वाला था, उसने सऊदी अरब में, सऊदी अरब अरबी तो वो अरबी था, उसने उसको मतलब टैक्सी को, उसको झगड़ा हुआ होगा, टैक्सी को पीछे से हिट किया, फिर कत्ल कर दिया। और मैं इस पे एहतजाज करूँगा, पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियों को आप क्यों थर्ड क्लास देती हैं, अपना अहमियत थर्ड क्लास लोग समझते हैं। दूसरी तरफ यूएई में एक तेज़ बारिश हो रही थी, और ये वाकई रिपोर्ट हो चुका है, तेज़ बारिश हो रही थी और एक बंदे ने प्लेन उड़ाया, वहाँ से पाकिस्तानी था, उसने प्लेन उड़ाया पीआईए का, उसको पूरी दुनिया दावत दे रही है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उसका प्लेन क्रैश हो जाता या नाकाम हो जाता उड़ाने में, तो उसके ऊपर उससे डबल जुर्म लगता जो अरबियों पर लग रहा है। वजह आपको सीक्रेट बताता हूँ, उसके पीछे 500 सवारियां उसके ऊपर, उसे जिम्मेदारी थी, और 500 सवारियां भी ले डूबता वो था लकी मरवत का रहने वाला। अब हमारे खान साहब, इमरान खान साहब हैं मियाँ वाली के, और मैं सरगोधा के रहने वाला हूँ, ये लाहौर से चले मियाँ वाली जाए और लकी मरवत जाए, तो ये एक ही ट्रैक बनता है। और मियाँ वाली जहाँ तक केपी पंजाब का बात है, सरगोधा जो है वो डिवीजन है, उसमें मियाँ वाली भी शामिल है, और बहुत सारे लोग मियाँ वाली से माइग्रेट करके सरगोधा शहर में रहते हैं। इसी तरह से मैं जिंदगी में कभी भी, मतलब एक दफ़ा मैं बचपन था बहुत, मैं तो मेरे तो पास तो फैसले का इख्तियार नहीं था, मतलब मुश्किल दूसरी या तीसरी में क्लास में पढ़ता हूँ, घर में मुर्गियाँ पालते थे हम, मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा पालते हैं, और मुर्गियाँ अंडे देती हैं, और अंडे देने के बाद उसको हम खाते हैं, और उसके बच्चे भी निकालते हैं, बच्चे निकाल के और ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। अब मेरे चचा, उन्होंने मुर्गियां पाली हुई थी, और यही कपल वो मतलब 6-7 मुर्गियां और 1-7 मुर्गा वो होता था, 6-7 मुर्गियां उनके पास पहले थे, 6-7 मुर्गियां उनके पास पहले थी, और एक मुर्गा और 6-7 मुर्गियां, ये पेयर पूरा था, वो एक और पेयर ले आए, मतलब वो भी 6-7 मुर्गियां थी और साथ एक मुर्गा था, वो और ले आए। अब मुर्गा जब आया ना, उसने मतलब पहलवानों की तरह उसने उसको बछाड़ना शुरू कर दिया, और वो चुप हो गए। कुछ अरसे बाद, मतलब महीना 2 महीने 4 महीने बाद, वो जो पहले वाला मुर्गा था उसने इसको बिछाड़ दिया। अब एंड रिजल्ट क्या निकला कि उस मुर्गे की एक साइड पे उसने जमीन बांट ली, कोई दीवार शिवा नहीं थी, वैसे वो एक साइड पे रहता था और ये मुर्गा दूसरी साइड पे रहता था, कभी ये उसके एरिया में नहीं गया, वो इसके एरिया में नहीं आया, इस तरह सुलह हो गई। अब YouTube ने परसों तरसों मेरे पास आती है तहसील खुशाब का रहने वाला है, खुशाब में मैंने बचपन गुजारा है, मेरे खुशाब में मेरा, मैंने चौथी क्लास पढ़ी, फिर उसके बाद 10वीं क्लास, उधर से मैंने एग्जाम की तैयारी की, और उससे मेरा बहुत ज़्यादा रिश्ता है, बचपन का रिश्ता है। और खुशाब के ही एक शख्स ने बनाया हुआ है एक चैनल, अब ये जहन में रखें कि पूरे सरगोधा डिवीजन में या सराउंडिंग में असील मुर्गे के अलावा कोई मुर्गा वहाँ पे है ही नहीं, और बदकिस्मती हमारी कि असील मुर्गे साल में 2 दफ़ा अंडे देते हैं और 2 दफ़ा वो मतलब बच्चे पैदा करते हैं, और लड़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। मैंने वल्ला बिल्ला कभी कभी लड़ाई ना देखी, ना आज तक नहीं देखी, और ना बचपन में देखी, और ना, और हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा जालमाना चीज़ें भी हैं, मतलब रीछ और कुत्ते की लड़ाई बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर है, लेकिन मैं इन लोगों से, इन चीज़ों से बचपन ही दूर रहा हूँ। अब एक वीडियो आई मेरे पास, आप, मैं फ़ोन नंबर आप कहेंगे ना तो आपको फ़ोन नंबर भी दे दूंगा, उनसे जाके कन्फर्म कर लें कि ना उस वीडियो वाले ने मुझे बताया कि मैंने इस मुर्गे को लड़ाना है, ना किसी और ने बताया। एक मियाँ पोल्ट्री फार्म है मियाँ चन्नू में, वो उससे कुछ 400 किलोमीटर दूर है, उसने एक वीडियो चैनल में देखता था कि अब मुर्गा डांस करता है, डांस वो करते हैं बाकी करते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं आ रही थी कि ढोल का डांस, मेरा ढोल का बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे पास है नहीं, तो मैंने कहा ये इसका डांस किस तरह से इस म्यूजिक के साथ मैच कर दिया और ये अपलोड कर दूं। वो मियाँ पोल्ट्री फार्म पे गया, मियाँ पोल्ट्री फार्म की यूट्यूब साइट है, उसने लिखा हुआ था फाइटर मुर्गे, फाइटर मुर्गे। मैंने कहा भाई फाइटर मुर्गे, मतलब फाइटर का मतलब ये है लड़ना, तो फाइटर मुर्गों का ये यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकता है और वीडियो इसकी मौजूद है, तो मैं क्यों ना करूं। मैंने फाइटर लिखा है, सर गलती मेरी है, फाइटर लिखा है,
और अपलोडिंग पे लगाई, अपलोडिंग लगा के तो फाइटर लिखा था, यकीन माने पूरे 60 सेकंड भी नहीं हुए थे वो फॉरन वीडियो डिलीट कर दी, रिमूव कर दी गई, अनलिस्टेड थी वीडियो, पब्लिक नहीं हुई, अनलिस्टेड थी, डिलीट कर दी गई। मैं बड़ा हैरान परेशान, और उसके बाद मुझे बताया गया कि फाइटर हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन में स्ट्राइक है, और मुझे स्ट्राइक दे दी गई। खुदा का खौफ करो, मैंने जिंदगी भर कभी भी ये ना देखी ना इसको सपोर्ट करता हूँ, और कभी जिंदगी में मुर्गी, एक मुर्गी नहीं पाली मैंने खुद, तो ना खरीदी ना पाली। तो ये अब हमारे, हमारी मुसीबत ये है कि हमारे पास हैं ही सिर्फ असील मुर्गे, और असील मुर्गे दुनिया भर में लड़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, लेकिन वो अंडे बहुत कम देते हैं। हमने अब शुरू कर दिया है मिस्र से मंगवा ली मुर्गियाँ, और चिकन के लिए मतलब खाने पीने के लिए हम चाइना से, वो इम्पोर्ट तो नहीं करते, चाइना खुराक देता है, हम उसकी मुर्गियाँ पालते हैं, वो महीने में जवान हो जाती हैं, और उनको ज़बह करके उस तरह से खाते हैं, लेकिन मैं लड़ाई में कभी मुलव्वस नहीं रहा। तो प्लीज़ अब यूट्यूब के बंदे का नाम तो है नहीं, ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के एडिट करते हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करूंगा कि प्लीज रिमूव दिस स्ट्राइक, आई डोंट हैव, आई स्ट्राइक ओनली फॉर द पीस एंड जस्टिस, प्लीज रिमूव इट। और एक और बात मेरे जेहन में है, वो बात, वो मेन मकसद वही है, अब जब इमरान खान को अक्वामे मुत्तहिदा उसको मतलब कह रही है कि ये जालमाना चीज़ है, इसको इसको बेगुनाह अंदर रखा हुआ है, इसको बाहर निकालो, और बरतानिया की पार्लियामेंट पिट रही है, इसको बाहर निकालो, आप इंसानियत की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, 8 फरवरी के इंतखाबात में आपको पाकिस्तान के 80% अवाम की, इमरान खान को सपोर्ट थी, आपने फिर 5-10% मतलब सपोर्ट रखने वाले उस शख्स को वजीर आज़म बना दिया, जिसका इसका माजी सारे का सारा सामने है कि वो करप्ट है। तो अब इस, ये सिनेरियो है पीछे का, बैकग्राउंड सिनेरियो ये है, और यहाँ पे एक साहब आगे कह रहे हैं, अब मैं उनका ओहदा और नाम नहीं बताता इसलिए कि मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है, कि ये जो डिजिटल दहशत गर्द है ना, वो खुदा का खौफ करो, हमने सिर्फ जबान से बात की है, और आप जितना बड़ा ओहदा होता है ना उतनी जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है। मैं भी अब यूएई का वाक्य सुना चुका हूँ, पीछे सुन लें आप दोबारा सुने, आप दहशत गर्द हमें कह रहे हो, खुदा के लिए हम दहशत गर्द नहीं है, और इनके इसके सीनियर्स को भी सोचना चाहिए कि जब हकीकत आशकार हो चुकी है, सबके सामने सामने आ गई है, तो आप सरेंडर कर दो, आप कंप्रोमाइज कर लो इमरान खान के साथ, और आप इसको रिहा कर दो इमरान खान को। तो मेरे चैनल पे व्यूज अच्छे हैं, अगर कम्युनिटी स्ट्राइक नहीं हटाते तो दुनिया में 7 अरब इंसान है टोटल, 7 में से कोई 50 या 70 करोड़ इंसान जो है ना वो यूट्यूब इस्तेमाल करते होंगे, और उसमें से 40 करोड़ शायद यूट्यूब भी, यूट्यूब पर वीडियो भी डालते होंगे, लेकिन क्या बाकी 6.5 करोड़, 6.5 अरब वो भूखे मर जाते हैं? मेरे पास तो चाबियां बनाने का इतना बड़ा फन है कि इधर बैठ के ना वो मोटर रख लूँ ना मैं, तो सारा दिन 2 चाबियां बनाऊंगा, 5,000 की चाबी भी लगेगी, 500 सिर्फ आपके खर्चा आएगा, 4,500 आप जेब में डालेंगे, और 4,500 और 4,500 9,000 आप जेब में डालेंगे, आप इससे ऐसा काम ही कोई नहीं इधर। तो मेरे भाई प्लीज़ रिमूव दिस स्ट्राइक।